हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोल्ड किचन। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट बेसन ढोकला रेसिपी, जिसे हम बिना दाल को भिगोए तुरंत बनाएंगे। खमन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये 2 कटोरी बेसन। एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें ये आटा डाल देंगे, जिसके बाद इसमें हम डालेंगे ये 2 चम्मच चीनी, थोड़ी सी हल्दी, हींग, और इसे मिक्सी में चला लेंगे और इसको हम अब इसे छान लेंगे। अगर आप नींबू का फूल यानी कि साइट्रिक एसिड डालना चाहते हैं तो आप आटे में साथ में डाल के पीस ले। मैं यहाँ पे नींबू का फूल की जगह नींबू का रस इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, जिसको भी मैं छान के साथ में मिक्स कर दूँगी। और मैंने स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच गुनगुना तेल डाल देना है। ज़्यादा गर्म नहीं, सिर्फ हल्का सा गर्म तेल डालना है। जिसके बाद मैंने ये 1 पूरा नींबू का रस डाल दिया है। अगर आपने साइट्रिक एसिड नींबू का फूल डाला है तो नींबू का रस मत डालिएगा। 2 कटोरी बेसन में 1 कटोरी के करीब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। तो इस तरह से हम सारे आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इस आटे को अच्छी तरह से फेटेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे फेटने के बाद मैं कुछ देर के लिए इसे ढककर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अब गैस पे पानी चढ़ाना है और इसे मैं तेल लगा के थाली को ग्रीस कर लूँगी। और जो नींबू के छिलके थे वो भी मैंने पानी में डाल के इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने दोबारा से इस बेसन को अच्छे से फेंट लिया है 5-6 मिनट तक। जब तक ये अच्छे से बुलबुले ना दिखने लगे तब तक बेसन को अच्छी तरह से फेंटना है। अब जो गैस पे हमने पानी रखा है वो उबलने लगे तब गैस को स्लो करके हम इसमें 1 पैकेट इनो मिलाएंगे। ये जब पानी उबलने लगे तभी लास्ट में ही इसे डालें और इसे इस तरह से डालें और इसे अच्छे से चलाएं। इसे नीचे ही डाल के अच्छे से इसे मिक्स करें तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाता है बेसन। अगर आप इनो की जगह बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी इसी तरह से नीचे ले जाकर इसे इस तरह से फेंटें। इस ट्रिक से ये देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, ये पूरा बेसन अच्छे से फूल चुका है। तो इसे मैं ग्रीस की हुई थाली में डाल के इसे 20 मिनट तक पकाऊंगी। जब तक हमारा ढोकला पक रहा है हम इसका तड़का भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, सरसों डालेंगे और 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है। आपको ज़्यादा मिर्च चाहिए तो ज़्यादा भी डालें, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, आप जीरा भी डाल सकते हैं। अब 1/2 ग्लास के करीब पानी डालेंगे, जितना हमने बेसन में पानी डाला था उतना ही डालना है। इसके बाद हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू का फूल डाल रही हूँ 1 चुटकी भर। आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे 1 उबाल आने तक हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 1 उबाल आने लग गया है, तो जैसे ही ये अच्छे से उबलने लगे मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। तो 20 मिनट में ये हमारे ढोकले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसे गैस को बंद करने के बाद 5 मिनट तक इसे ऐसे ही कुकर में बेस आप जिसमें भी इसे पका रहे हैं उसमें ढककर रहने दें, इसके बाद ही इसे निकालें। इसके बाद इसका जो ये ऊपर का जो लेयर है वो सूख ना जाए, इसलिए इसके ऊपर में थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा लूँगी। तो ये मैं चेक कर लूँगी कि देख सकते हैं ये पकने का ये निशानी होती है कि ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो ये हमारा बेसन ढोकला पक चुका है और हमारा ये तड़का भी तैयार है।
अब ये ढोकला हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसके हम इस तरह से पीस कर लेंगे छोटे छोटे। आप जितने छोटे बड़े चाहते हैं उतने आप इसके कट लगा ले। तो अब हमारे ये ढोकले और ये तड़का दोनों ही तैयार है। ये हल्का सा ही गरम होना चाहिए पानी, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी गरम डाल देते हैं तो ढोकले हमारे टूटने लगते हैं, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारा पानी बिल्कुल भी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। बस हमारी उंगली आसानी से इसे सहन कर सके उतना ही गरम होना चाहिए। आप ठंडा भी डाल सकते हैं जिससे हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस पे हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, तो ये देख सकते हैं हमारे बहुत ही टेस्टी ढोकला बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम ढोकला बन के तैयार हुआ है। जिसे हम दबा के देखेंगे तो ये रुई की तरह ही, ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा ढोकला बना है। इसमें हमने तड़का डाला है फिर भी ये देख सकते हैं बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो कितनी आसानी से हमने ये स्पंजी ढोकला बना के तैयार कर लिया है। तो आप इसी तरह से ज़रूर बनाइए। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि हमारे ढोकले बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।